आपने देखा होगा प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पर है। कहते हैं मनुष्य के अंदर दो चीज चलावन होते, काम और क्रोध, ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। ये जिसके संतान ना हो, यहाँ 16 सोमवार करे, उसको संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा की चारों दिशाओं में भगवान शिव के चार स्वरूप द्वापर से ही विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से मथुरा नगरी की रक्षा करते हैं। ब्रिज यात्रा के आज के दर्शन में आपको मथुरा के चौथे महादेव के दर्शन कराएंगे, जिन्हें गोकर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी गोकर्णेश्वर महादेव का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव के यह स्वरूप द्वापर काल से ही यहाँ विद्यमान है। तो ब्रिज यात्रा के आज के वीडियो में आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थान मथुरा में। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ब्रज की चारों दिशाओं से रक्षा के लिए भगवान शिव के चार प्रमुख स्वरूप हैं, ठीक उसी तरह से मथुरा के अंदर भी मथुरा की रक्षा के लिए चार प्रमुख स्वरूप हैं। तो उनमें से ही आज के वीडियो में आपको गोकर्णनाथ महादेव जी के दर्शन कराने वाले हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है और द्वापर काल से ही ये जुड़ा हुआ स्थान है, बहुत ही प्राचीन है। आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि जो विग्रह हैं भगवान के, बहुत ही प्राचीन विग्रह हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आगे चल के आप लेफ्ट हैंड पे आप दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नंदी जी के दर्शन होते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं, उनसे हम यहाँ की कथा के बारे में जानेंगे कि क्या कथा जुड़ी है भगवान गोकर्णेश्वर महादेव जी से। मैं मन्नू पंडित, सेवायत गोकर्णनाथ महादेव मंदिर। जैसे आपने सुना होगा मथुरा में चार महादेव हैं, तो उनमें से एक गोकर्णनाथ महादेव हैं। इनका लेख भागवत के पहले अध्याय में मिलता है। एक आंखदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। सर्वसंपन्न थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक ऋषि ने उनको फल दिया था कि फल को खाने से आपका पुत्र हो जाएगा। तो धुंधली उस फल को खुदना खा के अपनी गाय को खिला देती हैं, तब ये गाय के कान से पैदा होते हैं। तो इनका नाम रहा गोकर्ण। ये शुरू से ही पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों की संगत करने वाले, परम ज्ञानी हुए थे। उधर धुंधली होती है, अपना वंश बनाने को बहन का बच्चा गोद ले लेती है, जिसका नाम धुंधकारी रखा। वो राक्षस प्रवृत्ति का निकला, शराब बरा पीना, वैश्यावृत्ति करना। तो उसके काल मृत्यु हो जाती है, उसको प्रेरित होनी मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है, सबको परेशान करता है। तो सब लोग फिर गोकर्ण से बोलते हैं कि आप इतने विद्वान हो तो अपने भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। फिर ये 7 दिन की भागवत पढ़ते हैं, तब धुंधकार को सोने से मुक्ति मिलती है। फिर शिवजी प्रसन्न होकर इनको वरदान देते हैं कि आप कलयुग में मेरे रूप में पूजे जाओगे। तब से ही शिव के रूप में विराजमान है। आपने देखा होगा प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पर है। कहते हैं मनुष्य के अंदर दो चीज़ चलावन होते, काम और क्रोध, ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। 5,500 वर्ष पुराना विग्रह है। जैसे कि मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी है, तो कहते हैं कि जो भी देवालय शिवालय होंगे वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए होंगे। तो बताते हैं कि ये सामने दशा में घाट था, जब कंस का धोबी कंस के कपड़े धोरा होता है, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं। तो धोबी के चमकीले वस्त्रों को देखकर वो वस्त्र पहनने को मांगते हैं, तो धोबी मना कर देता है कि हमारे मथुरा नगरी से कपड़े हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो वो धोबी को मांगे, तो आगे बढ़ते श्री कृष्ण भगवान। तो उस समय से शिव की तपस्या में लीन थे, अपनी इनके सुपुर्द अपनी गायों को कर जाते हैं, तब लौट के अपनी गायों को ले जाते हैं। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। अभी ये कंस मेला निकल गया है, तो सप्तमी दिन धोबी का पतला बनता है, जैसे रावण का पतला दहन होता है, ऐसे यहाँ मसानी के तराई पे धोबी का पतला बनता है। और श्री कृष्ण भगवान और बलराम के धोबी को मार के आज यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत प्राचीन महात्म्य ये भी, जिसके संतान ना हो, यहाँ 16 सोमवार करे, उसको संतान की प्राप्ति होती है। एक BBC लंदन का एक चैनल है, एक फ्रांस का, वहाँ से मूर्ति को रिसर्च हो चुका है। तो उनके अध्ययन के अनुसार 5,500 वर्ष पुराना विग्रह है ये, द्वापर युग श्री कृष्ण के जमाने से। श्री कृष्ण जी, जी जी जी। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन कराए भगवान के। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका एक हाथ हृदय पे है और एक हाथ लिंग पे है। तो जी, ये गणेश जी है। इधर ये बताते हैं, ये नागरी और सागरी नाम की दो अप्सराएं थी स्वर्ग की। जब ये शिव की तपस्या में लीन थे गोकर्ण जी, तो उस समय दोनों बहनों ने आके इनकी सेवा की थी। ये अखंड ज्योत है। हाँ जी, एक और एक नीचे, दो
ये तीन और एक उधर ऊपर ये चार, करीब 10 साल से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू जी सर, एक सही यहाँ जैसे कि जब हम बताया था मैंने आपको कि जो फ्रांसिस चैनल था वो आए थे जो म्यूजियम के लोग थे, तो पहले अंदर जल रोज चढ़ता था, अब कहते हैं आज सब चीज़ केमिकल की हो गई है, पानी भी आजकल केमिकल का रह गया है, तो प्रतिमा धीमे धीमे सब खराब होने लगी थी, तो अंदर जल अब रोज़ ना चढ़ के केवल सोमवार के दिन अंदर जल चढ़ता है, रोज़ यहाँ ये शिवलिंग है, रोज़ जल यहाँ चढ़ता है, ये गणेश जी हैं और इधर ये हनुमान जी और हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा मतलब प्रतिमा देखने के लिए। हमारे बाबा के समय में ये एक केवल एक ही प्रतिमा थी गोल, तो हमारी गाय थी एक, तो जैसे कि मुंह पर लोग प्रसाद चिपका देते हैं तो हमको भी नहीं पता था, उन बाबा को भी नहीं पता था कि इसके अंदर दो प्रतिमाएं हैं, तो गाय आती थी उनको प्रसाद चाट कर निकल के चली आती थी, एक दिन उसका ऐसा सींग लगा जोर से उनके चोले में, वो चोला चटक गया और अंदर दो प्रतिमाएं निकली, ये हनुमान जी हैं और उनके पुत्र मकर ध्वज हैं, उनके पुत्र हैं मकर ध्वज, और ये सामने नंदी बाबा हैं जो द्वारपाल कहलाते ही हैं शिव जी के, वो आपको हर मंदिर में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंदी भगवान हैं और प्रत्येक मंदिर में नंदी भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल जस्ट सामने ही होते हैं, ये आपको दर्शन हो रहे हैं तक भगवान के। तो पंडित जी ये बताइए कि ये जो प्रतिमा है ये तो द्वापर युग की है जी जी, लेकिन ये जो मंदिर है इसका स्वरूप किस तरह से बदलता हुआ चला? हाँ वो तो पहले ये बहुत एकदम बहुत सूक्ष्म रूप में था, बहुत छोटे छोटे गेट थे इसके और बस कच्ची सी मढ़ बनी हुई थी, अब धीमे धीमे जैसे समाज बदलता गया सब लोग बदलते गए तो धीमे धीमे ये मरम्मत होती गई, थोड़े गेट बड़े कर दिए, प्रांगण बड़ा कर दिया, ये धीमे धीमे थोड़ा उसका स्वरूप बदलता गया, बस यही हुआ है। तो आप बता रहे थे पहले गेट बहुत, हाँ ये बहुत छोटा था, हमको भी मतलब कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों के सामने या ठाकुर साहब झुक के जाना चाहिए था, तो उसी हिसाब से मंदिर बने हुए थे, गेट केवल ये 4.5 फीट का था बस केवल जी जी। अब ये धीमे धीमे एकदम परिक्रमा चलती है या यात्रा आती है तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो किसी से टकरा रहा चोट की वजह से फिर थोड़ा चौड़ा करवाना पड़ा और थोड़ा ऊंचा करवाना पड़ा। और ये सामने ही मथुरा जो अभी आपने दीप थाने का दसी और अक्षय नवी की परिक्रमा लगी है, ये सामने वो मार्ग है परिक्रमा का, सामने से निकलने का परिक्रमा के रास्ते में मंदिर पड़ता है ये जी। वैसे तो ठाकुर जी को सब दिन एक समान माने जाते हैं, लेकिन विशेष सावन के सोमवार में, सावन के सोमवारों पे यहाँ पे विशेष बंगले बनते हैं, बहुत तरह तरह के आयोजन होते हैं और एक शिवरात्रि पे, शिवरात्रि जी जी ये महापर्व है, तो यहाँ पे विशेष भीड़ रहेगी और विशेष उत्तम दिन रहेंगे जिस ठाकुर जी दिन है जी। तो बहुत बढ़िया अच्छा रहता है। अच्छा अब यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दीजिए कि भक्त लोग जहाँ कहीं से भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ इस स्थान पर कैसे पहुँच सकते हैं जी? ये मथुरा वृंदावन रोड है, मथुरा वृंदावन रोड पर रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन आकाशवाणी के पीछे एक मंदिर है। हाँ सिंपल सा एड्रेस है, मथुरा वृंदावन रोड आकाशवाणी के पीछे गोकर्णनाथ महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिज यात्रा का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करके अन्य लोगों को भी दर्शन कराएं। मिलते हैं ब्रिज यात्रा के अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।